अभी आवाज आ रही है मेरी? ओके डन, पिक्चर इज क्लियर, साउंड इज क्लियर? ओके ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं फॉर मोर पीपल आज के सेशन का फायदा उठा सके। आज एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिसिज परवीन अब्रोल, मिस्टर रवीश अब्रोल एंड जी, इन सबका मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी। मैंने कभी सीरियसली बताऊं तो मैंने कभी किसी भी ग्रुप में ना कभी कोई वीडियो शेयर करा था, ना ही कभी कभी लाइव सेशन दिए थे। तो अभी इन लोगों की ही वजह से, लाइक दे ओनली टोल्ड मी टू पोस्ट सम वीडियोज इन देयर ग्रुप्स, सो आई स्टार्टेड डूइंग दैट। उसके बाद का फायदा उठाया, मुझे बहुत सारे कॉल्स भी आती हैं कि आपकी वीडियो ने काफी फायदा उठाया, और लोग बोलते रहते हैं टाइम टू टाइम कि हमें इस टॉपिक पे वीडियो बना के भेजो। और अभी क्योंकि क्लिनिक स्टार्ट हो गया है तो टाइम इतना नहीं मिल, क्लियर आई वॉज एट होम ओनली फॉर 15-20 days, तो अच्छे से बना सकते थे। बट अभी भी मैं ट्राई करती हूँ कि हफ्ते में कम से कम 2 वीडियोस बनाओ, ऐसी वाली जो एक्चुअल में जिसका फायदा हो, जो हर कोई कर सके। आपको डिफिकल्ट पोस्चर्स, डिफिकल्ट आसन्स करके मैं दिखा दूंगी, उसका कोई फायदा नहीं है। तो जो आज मैंने टॉपिक चूज किया, एक तो मुझे आस्था जी ने ही बोला कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लैंक्स, प्लैंक्स करने से बहुत जल्दी स्पेशली टमी का जो फैट होता है हमारे, जो लेडीज का एक एज के बाद ये चीज चौड़ी होनी शुरू, यहाँ से हम ब्रॉड होने शुरू हो जाते हैं, बी इट द हिप रीजन और टमी और लोअर अबडोमन, ये सारे एक एज के साथ ऐसे होने स्टार्ट हो जाते हैं। सो प्लैंक्स आर वेरी गुड सेट ऑफ एक्सरसाइजेस जिनसे हम ये चीज़ों का फैट जल्दी रिड्यूस कर सकते हैं। बट जिन लोगों को कमर की प्रॉब्लम्स रहती हैं, बैक इश्यूज रहते हैं, उन लोगों को धीरे धीरे एंड दे शुड डू इट अंडर यू नो एक्सपर्ट सुपरविजन। अदरवाइज मैं जो आपको प्लैंक्स बताऊंगी बहुत आसान बताऊंगी, जो इनफैक्ट सब लोग, और हेलो नैन्सी जी कैसे हो आप, बड़ी दूर से ये आज सेशन देख रहे हो, है ना। सो नैन्सी जी हमारे आर्मी में, वी वर टुगेदर इन सिकंदराबाद, तो शी यूज टू कम टू माई योगा क्लास। सो इस ग्रुप के साथ ज्वाइन, इन्होंने ज्वाइन किया हुआ है जस्ट टू सेशंस। सो एक आज हम बात करेंगे, बहुत सारी लेडीज हैं, स्पेशल गर्ल्स भी हैं, जिनको पीरियड्स नहीं आते, चाहे वो पीसीओटी की वजह से हैं, चाहे वो कोई और रीजन, थायराइड ग्लैंड भी बहुत लोगों को उसकी वजह से, थायराइड ग्लैंड के जो इश्यूज हैं उसकी वजह से, मींस इतनी सारी लेडीज हैं, गर्ल्स हैं, जिनको पीसीओडी की वजह से या दूसरी जो रीजंस हैं, फिटनेस ओके। एंड मैं 5 आसान आसन बताऊंगी, जो अगर आप, जैसे हम एक एक बार या दो दो बार करेंगे, आपने उनको 4 से 5 बार वो करने हैं। आप बाकी जो भी वर्कआउट करते हो दैट यू कैन कंटिन्यू, सो इन द मिडल ऑफ योर अदर वर्कआउट और एट द एंड ऑफ योर रूटीन वर्कआउट, आप वो 5 आसन यू, एक महीने के अंदर अंदर आपका साइकिल जो है बिना मेडिसिन के रेगुलर हो जाएगा। एक चीज और बताऊंगी, डोंट गो फॉर हार्मोनल ट्रीटमेंट फॉर स्कैंटी मेंसेस, सुप्रेस्ड मेंसेस, लैक ऑफ मेंसेस जिसे हम कहते हैं, एब्सेंस ऑफ मेंसेस, या फिर एक्सेसिव मेंसेस, अवॉइड कीजिए वो, क्योंकि उनके एडवर्स इफेक्ट्स जो हैं वो ज्यादा हैं। सो ऑल्टरनेटिव सिस्टम में, आयुर्वेदा में, होम्योपैथी, गायनी जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो क्रॉनिक वाइट डिस्चार्ज, ये भी बहुत लेडीज को, गर्ल्स को बहुत होता है। समटाइम्स लेडीज फील शाई टेलिंग दिस प्रॉब्लम, सो इसके भी काफ़ी सारे हमारे योगा में आसन होते हैं जिससे रेकरेंट यूटीआई, बार बार यूटीआई होना, सो या बट के लिए एक्सरसाइजेज और वेरिकस वंस, ओके ठीक है। और तीसरा एक टॉपिक मैं आज तीसरा आपके साथ शेयर करूंगी, इन होम्योपैथी वी हैव वेरी गुड यू कैन से लोशंस और मदर टिंचर्स, जो हमारे फेस के जो फ्रैकल्स, कॉर्न्स,
टू सम एक्सटेंट इनकी लेजर ट्रीटमेंट लोग करवाते हैं. इतना एक्सपेंसिव लेजर ट्रीटमेंट एज वेल एज लेजर ट्रीटमेंट हैज लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स आल्सो ऑन स्पेशली आर आईज. सो वो इतने इफेक्टिव मदर टिंचर्स है. जनरली डॉक्टर आपको नाम नहीं बताते, वो आपको बिना लेबल हटा के दे कैन गिव यू द मेडिसिन, बट आप मेडिसिन का नाम नहीं बताते. सो मैं आपको नाम बताऊंगी, आप वो बाहर से कहीं से बाय फ्रॉम एनी होम्यो स्टोर मेक श्योर कि वो सील्ड लेना. आपने लूज मेडिसिन नहीं खरीदना. लूज में हमारे इसमें अडल्ट्रेशन बहुत करते हैं. सो ऑलवेज गो फॉर अ सील्ड बॉटल. सो उसके मैं नाम बताऊंगी. उसमें एक एंटी एजिंग मदर टिंचर है जो आपने फेस में बीच बीच में लगाने हैं. जो छोटे छोटे तिल आते हैं, वार्ट्स आते हैं, चाहे गर्दन पे है, हाथ में है, अंडर आर्म्स में है, फेस पे, आप लगाओ. 3-4 दिन के अंदर अंदर आपके वो सारे वार्ट्स वगैरह वो चले जाएंगे. उनके कैसे लगाना है वो मैं बताऊंगी. हेलो रश्मि जी, कैसे हो आप? सो हम और एक मैं उस शुरू मैं एक चीज से जरूर करूंगी. स्ट्रेस और एंजाइटी के लिए भी कोई पूछ रहा है. चलो मैं एक आपको एक जरूर आपके साथ शेयर करूंगी जो मेरे को लगता है कि बहुत जरूरी है. जैसे इसकी कोरोना की वजह से हम लोग सारी प्रिकॉशंस ले रहे हैं, लाइक गर्म पानी, उसमें सूंड, अजवाइन, तुलसी, हल्दी, ये सारी चीज़ें हम डाल डाल के पी रहे हैं. लेकिन ये सब चीज़ें भी लीजिए. एक मैं आपको थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताऊंगी, बहुत आसान है. अगर आप सुबह थोड़ी सी भी कर लेंगे तो रोज के रोज हमारा जो नाक है और गला है, इसके रास्ते से ही हम अगर कोई भी एलर्जन, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस अगर अंदर गया है, वो रोज के रोज हम उसको बाहर निकाल देंगे. वो करना आज की डेट में बिकॉज ऑफ दिस कोरोना पैंडेमिक इट्स रियली कंपल्सरी. वो जैसे बाकी चीज़ें भी आप फॉलो कर रहे हैं, गर्म पानी बार बार पी रहे हैं, हल्दी वाला पानी बहुत सब लोग ऑलमोस्ट ले रहे हैं. सो उसके साथ साथ अगर आप ये वाली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करोगे, इसे हम डिटॉक्सिफिकेशन ब्रीदिंग एक्सरसाइज बोलते हैं. अदरवाइज आल्सो रोज के रोज अगर आप टॉक्सिन्स बॉडी में से बाहर निकालते जाओगे, आपकी बॉडी में जब टॉक्सिन्स इकट्ठे ही नहीं होंगे लग ही नहीं सकती. सो रोज के रोज जैसे हम घर की सफाई करते हैं, कूड़ा करकट बाहर रोज फेंकते हैं, घर के अंदर नहीं रखते, सिमिलरली हमारा जो शरीर है बॉडी के अंदर से, स्पेशली गले के अंदर से, नाक के पिछले हिस्से से, अगर हम रोज के रोज एलर्जन्स, आजकल लोगों को इतनी एलर्जी हो रखी है, छींके बहुत ज़्यादा एलर्जी, कोल्ड, कफ, ये सारे क्या है, एलर्जी के साइन एंड सिम्टम्स होते हैं. सो इन एक्सरसाइजेस से हम क्या करते हैं, रोज के रोज टॉक्सिन्स को हम इनको बाहर निकाल देते हैं. सो उसी ब्रीदिंग एक्सरसाइज से हम आज का जो सेशन है वो शुरू करेंगे. आप कहीं पे भी बैठिए, लेकिन आपकी जो हिप्स हैं वो थोड़े से ऊपर उठे रहने चाहिए. उसके लिए आप कोई भी कुशन या चद्दर को आप 3-4 बार फोल्ड करके अपने हिप्स के नीचे ऐसे रख सकते हैं. ऐसा करने से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आपके पूरे लंग्स में जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर आएगा. सो सुबह भी कर सकते हो आप, जब शाम को फ्री होते हो इसी टाइम, जैसे हमें लंच किए को 3-4 आवर्स का गैप हो, आप तब भी कर सकते हो. तो हमने स्टार्ट किससे करना है, पहले राइट नॉस्ट्रिल बंद करना है. राइट नॉस्ट्रिल बंद किया, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से हमने जोर से सांस लेना है और जोर से छोड़ना है. और साथ ही साथ लेफ्ट वाला जो हाथ है फिंगर्स खोल के ऊपर करना है और मुट्ठी बंद करते हुए उसको नीचे की ओर लेके आना है. मैं आपको करके बताती हूँ. मैं लेफ्ट से सांस ले रही हूं, लेफ्ट से सांस छोड़ रही हूं, साथ ही साथ लेफ्ट जो हाथ है वो ऊपर कर रही हूं और नीचे कर रही हूं. बहुत ही बढ़िया पावरफुल ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो सफाई करेगी,
जिनको जुकाम खांसी कोल्ड कफ रहता है उनके लिए ये रामबान रहता है। हमने शुरू किससे करना है? लेफ्ट साइड से। सिर्फ 10 बार कीजिए। दस बार होने के बाद सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? लेफ्ट से लेना है और राइट से छोड़ना है। ऊपर नीचे जाएगा। ये सबसे ज्यादा जरूरी मुझे लगा बताना, जो कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा जरूरी ये है। उसके बाद हम अपने फिजिकल पोस्चर्स करेंगे। में क्या है? लेफ्ट ब्रीद इन, राइट ब्रीद आउट, लेफ्ट ब्रीद इन, राइट ब्रीद आउट। मैं अपना राइट नॉस्ट्रिल बंद करने के लिए थंब यूज कर रही हूँ, लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करने के लिए लिटिल फिंगर यूज कर रही हूँ। मेरा जो हाथ है, मुद्रा के साथ अगर हम ब्रीदिंग करते हैं तो आपको फायदा ज्यादा। इंडेक्स फिंगर जो है, प्लीज एक्सप्लेन इनहेल एंड एक्सहेल प्रोसेस प्रॉपरली। ओके, इंडेक्स फिंगर जो है वो बेस ऑफ योर थंब और लिटिल फिंगर और थंब ऐसे यूज करना है। बाकी जो दो फिंगर्स हैं ये ऐसे सीधे रहेंगी। सो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था? ब्रीद इन लेफ्ट, ब्रीद आउट लेफ्ट, ब्रीद इन आर्म अप, ब्रीद आउट आर्म डाउन। सेकेंड स्टेप में ब्रीद इन लेफ्ट, ब्रीद आउट राइट। अगेन 10 टाइम्स आपने करना है। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है? राइट ब्रीद इन, राइट ब्रीद आउट, और हमेशा लेफ्ट आर्म ही ऊपर जाएगी, लेफ्ट आर्म ही नीचे आएगी। ओके, फोर्स के साथ सांस लेना है, फोर्स के साथ सांस छोड़ना है। जिन लोगों का प्रॉब्लम है वो कर सकते हैं और थोड़ा सा कम फोर्स लगा के कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर आपकी सर्जरी किसी की, अगर हार्ट में पेसमेकर, जैसे किसी ने अभी कमेंट बॉक्स में बोला, तो अगर 6 मंथ्स का गैप हो गया है, अभी रिसेंट सर्जरी नहीं हुआ, आप आराम से कर सकते हो। अदरवाइज आप इससे भी इतना स्लो कर सकते हैं। सी, जिनको प्रॉब्लम है, हार्ट पेशेंट्स हैं, किसी और, जैसे आर एफ फैक्टर पॉजिटिव होता है, बहुत सारी, एक दो लेडीज का मुझे कॉल आया, आप ही के ग्रुप की शायद लेडीज हैं, कि दे एक्चुअली वांट टू डू एक्सरसाइजेस बट आर ए फैक्टर आर्थराइटिस की वजह से उनसे होता ही नहीं है। सो उन लोगों के लिए शुरुआत में अगर वो ये वाली ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगी, उससे क्या होगा? बॉडी थोड़ी सी रिजुविनेट होगी, थोड़ा सा बॉडी में स्ट्रेंथ आएगा। उसके बाद धीरे धीरे माइक्रो योगा एक्सरसाइजेस करेंगी, हाथों की, पाँव की, कंधे की, कमर की, उसके बाद नॉर्मल एक्सरसाइजेस वो लोग कर सकते हैं। सो वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड कि हम एटलीस्ट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं बेचारे, एक्सरसाइजेस भी नहीं कर सकते। उनको जरूरत होती है कोई एक्सपर्ट हो जो उनको प्रॉपर ट्रेन करे, और सबके लिए पर्सनल ट्रेनर रखना भी पॉसिबल नहीं। सो हम कर रहे हैं राइट से ब्रीद इन, राइट ब्रीद आउट। थर्ड पार्ट में क्या करेंगे? राइट ब्रीद इन, लेफ्ट ब्रीद आउट। सी, सबसे स्लो स्पीड है ये। उसके बाद थोड़ी मीडियम स्पीड, जो प्रैक्टिस है सब लोग कर सकते हैं, एक्सेप्ट हार्ट पेशेंट्स। एक और स्पीड से भी हम करते हैं, जिनको बहुत ज्यादा जल्दी वेट लूज करना हो या जिनका वेट बहुत, बीएमआर इतना स्लो है, बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता,
उनको और फास्ट करना है। कैसे? बेटा फोन मत करो, मैं सेशन करा रही हूँ योगा का। हेलो फोन मत करो, काटो फोन। सॉरी सॉरी। ओके, इसके बाद अगली अगले इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ नीचे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में सामने ब्रीद इन, पीछे ब्रीद आउट। थर्ड एंड लास्ट स्टेप में ऐसे ऊपर और ऐसे नीचे। ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज इतनी इफेक्टिव है, अगर किसी भी कारण से आपको जुकाम या गला दर्द अभी जस्ट शुरू हुआ है, अगर आप इसके 2-3 सेट लगा लो या इसको 5 से 10 मिनट कंटिन्यूस कर लो, आपका जो कोल्ड कफ है वो बढ़ेगा नहीं, वो वहीं पे रुक जाएगा, बिल्कुल भी बढ़ेगा नहीं। सो ये इसमें और भी आगे इसके और वेरिएशंस भी होती हैं, लेकिन मैं इतना ही बता रही हूँ ताकि आपको याद रहे। ये भस्त्रिका प्राणायाम किया हमने, वेरिएशंस ऑफ भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका करने से हमारे शरीर में कोई भी टॉक्सिन, जस्ट मैंने भी स्टार्टिंग में बोला, कोई भी टॉक्सिन नहीं रहता। सो ये करने से रोज का रोज हम अपना शरीर को अंदर से जो है टॉक्सिन फ्री रखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम थोड़े से प्लैंक्स सीखेंगे। प्लैंक्स करने से पहले थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं। थोड़ा सा वार्म अप एक्सरसाइज में एक बहुत बढ़िया एक्सरसाइज बताती हूँ, इसे हम बोलते हैं मंथन क्रिया। मंथन बोला जाता है कि करेक्शन बोल सकते अपने आप को फिट फिट करने की एक क्रिया। पुराने जमाने में जैसे लोग वो बटर निकालते थे, मक्खन निकालते थे, बिल्कुल वैसे करते हैं। इसे हम एज अ वार्म अप एक्सरसाइज भी ले सकते हैं। दर्द होती हो, कमर का फैट कम करना हो, उसके लिए भी हम कर सकते हैं। इसके लिए आपने थंब अंदर रखना है, ऐसे 4 फिंगर्स बाहर रखते हुए बिल्कुल ऐसे। इसको हम आज एज अ वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे। कमर सीधी, आपकी गर्दन बिल्कुल सीधी। आप इसको वज्रासन में कर सकते हैं, सुखासन में, आलती पाती। अगर आप नीचे बैठ के नहीं कर सकते, आप इसको कुर्सी के ऊपर बैठ के कर सकते हैं, बेड के ऊपर लेग्स को सीधा रखते हुए भी कर सकते हैं। जिन लोगों को शुगर है या फिर शुगर बॉर्डर लाइन पे है, अगर वो इसको 10-10 मिनट सुबह शाम करें, तो मंथन क्रिया करने से शुगर जो है, डायबिटीज, ये ठीक होनी शुरू हो जाती है 6 हफ्तों के अंदर अंदर, अगर आप इसको 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम को करते हैं। इससे हमारे जो अपर बॉडी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी सारी एक्सरसाइज होती है। किसी किसी दिन आपका कहीं खड़े होके एक्सरसाइज करने का मन ना करे, आप ये बैठ के 15-20 मिनट कर लीजिए। जब आप थक जाओ तो थोड़ा स्लो हो जाओ, उसके बाद फिर से वापस फास्ट। मंथन क्रिया मुट्ठी को बंद करके करना है, इसको जब तक हाथों में पसीना ना आ जाए। ओके, थोड़ी देर हाथों को हम ऊपर की ओर रखते हुए भी थोड़ी देर इसको भी कर सकते हैं। ओके, फिर वापस साइड वाइज।
ये हम थोड़ा वार्म अप भी कर रहे हैं प्लान करने से पहले। ओके चलिए शुरू करते हैं। हम इसमें अलग अलग तरह से करेंगे, जैसे कुछ लो प्लैंक्स होते हैं, कुछ हाई प्लैंक्स होते हैं। सो हाई प्लैंक जो होता है वो थोड़ा सा आसान होता है, और जिनकी कमर की प्रॉब्लम रहती है वो कमर पे उनके इतना ज़्यादा कभी बुरा असर नहीं पड़ता। सो उसके लिए ये देखिए पर्वतासन में जैसे हम खड़े हुए, पर्वतासन में एड़ियाँ आपके ऊपर रहेंगी। ओके हाथ नीचे हिप्स नीचे, आप सामने देखिए सामने। इस तरीके से ये देखिए हाथ ऐसे सामने देखना है, सामने सामने और नीचे। पांव जो है वो खड़े हैं, अप ब्रीद इन अप, सामने देखिए, स्टे देयर ब्रीद आउट डाउन। इसको लगभग 5 से 7 बार आपने करना है, ब्रीद इन अप ब्रीद आउट डाउन अप डाउन। ओके चेंज करेंगे, ब्रीद इन किया, एक पांव दूसरे पांव के ऊपर, सामने देखिए 1 3 5 7 9 10। पहले पांव नीचे, देन हिप्स ऑन योर मैट, अगेन ब्रीद इन अप अप, दूसरा पांव दूसरी एड़ी के ऊपर, स्टे हियर 1 3 5 7 9 10 डाउन। उसके बाद हाथों को इस तरीके से 1 3 5 हाई प्लैंक, 5 7 9 10 डाउन, भुजंगासन, फिर से अप 1 3 5 7 10 डाउन। ओके अभी हाई और लो प्लैंक दोनों हम मिक्स कर देंगे। ओके ऐसे 1 2 3 4 5 7 8 9 10 ओके रिलैक्स। ओके चेंज, उसके बाद हम साइड प्लैंक करेंगे, साइड प्लैंक। ओके 1 3 5 7 9 10 सेंटर अदर साइड 1 3 5 7 9 10 चेंज। वन टू अप 3 4 5 6
सेवन एट नाइन टेन. ओके, दूसरी साइड वन टू अप थ्री फाइव सिक्स सेवन एट टेन. रिलैक्स. ओके, नेक्स्ट पर्वतासन में आएंगे. पर्वतासन के बाद वन टू फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन. ओके, रिलैक्स. सभी रिलैक्स करेंगे. फिर वापिस माउंटेन पोज. माउंटेन पोज. ओके, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन नाइन टेन. अदर साइड वन थ्री फोर फाइव सेवन एट नाइन टेन. ओके, जिनको पीरियड्स की प्रॉब्लम है, जिनको पीरियड्स नहीं आ रहे, जब भी शुरुआत करनी है हमेशा तितली आसन से करनी है. तितली आसन हम दो तीन तरीके का करेंगे. पहले ऐसे पांवों को मिलाया, थोड़ा दूर रखना है और ऐसे तितली आसन करेंगे, इसे हम पक्षी क्रिया भी बोलते हैं. फिर पांव को आपस में ऐसे पास और पास मिलाया, जोर से किया. उसके बाद ब्रीद आउट किया, नीचे गए. अपना फोरहेड जो है वो टोस के ऊपर रखने की कोशिश करनी है. ब्रीद आउट करते हुए नीचे जाना है. इसमें आपका ये जो हमारा ओवरीज का लोअर एब्डोमेन का पोर्शन है और पीछे बैक पे इनर थाई पे बहुत अच्छा स्ट्रेच आता है. इससे हमारे पीरियड से रिलेटेड मैक्सिमम प्रॉब्लम्स दूर होती हैं, जो तितली आसन को अलग अलग तरीकों से रोज करने से. ओके, यहाँ पे रहना थोड़ी देर. वन टू थ्री फोर फाइव सेवन नाइन. भी कर सकते हैं, कुछ लोग स्लो करने करने से बोर हो जाते हैं, लोगों को हम ऐसे फास्ट करते हैं. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट नाइन टेन. सो ये तितली आसन में पीरियड्स की प्रॉब्लम, स्पेशली जिनको पीरियड्स नहीं आते. उसके बाद उनको दूसरी एक्सरसाइज क्या करनी है, हमेशा किए हाथों को अपने शोल्डर लेवल के पास रखा, अप डाउन. ये हमारा लोअर टमी का जो फैट है, लोअर फैट एक जो पाउच सा बन जाता है, उसके लिए भी अच्छी एक्सरसाइज है. सांस लिया, मुंह से धीरे से सांस छोड़ा. ब्रीद इन अप ब्रीद आउट
डाउन। इसको हम दो तरीकों से करते हैं। पहला तरीका ऐसे आप देखा, थोड़ी देर रुक के हो रहा है उसको महसूस करना नॉर्मल, और ब्रीद आउट करके नीचे। दूसरा तरीका है इसको हम कम से कम 50 बार थोड़ा फास्ट, 6 7 8 9 10 रिलैक्स। उसके बाद अगली एक्सरसाइज में क्या करते हैं हम, नेक्स्ट एक थर्ड एक्सरसाइज फॉर पीरियड्स प्रॉब्लम्स। एंकल से पकड़ा, एंकल से पकड़ा, पहले तो कई लोगों से पकड़ा नहीं जाता, तो पहला उनका स्टेप रहेगा एंकल को पकड़ने की कोशिश करना। उसके बाद इसको धीरे से उठाना, जितना उठ सकता है, थोड़ी देर रोकना, छोड़ देना। इसको भी आपने 10 से 15 बार करना है। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, डाउन। उसके बाद उठना कैसे है, डाउट किया और चाइल्ड पोज में रिलैक्स किया। ये मैं 4-5 आसन आपको वो बता रही हूँ जो पीरियड्स की प्रॉब्लम्स को 100% ठीक करेंगे। कई लोगों का वेट इसलिए भी रिड्यूस नहीं होता कि उनको पीरियड्स आते नहीं हैं या बहुत कम आते हैं, या जल्दी पीरियड्स आने बंद होने वाला जो फेज है वो स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं प्री मेनोपॉजल सिंड्रोम। किसी भी लेडी को जब तक आते रहेंगे, जैसे 46, 47, 48 till 50 भी अगर आ जाएं, बट द ओनली थिंग इज कि नॉर्मल होने चाहिए, एक्सेसिव ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। कार्डियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंगली जिन लेडीज को 50 इयर्स तक भी अगर रेगुलर और नॉर्मल पीरियड्स आते हैं, उसको कभी हार्ट अटैक नहीं होता, एक्सेसिव ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल पीरियड अगर आते हैं तो 80% बीमारियों से वो बची रहती है। पीरियड्स 36-37 की एज में ही कम होने स्टार्ट हो जाते हैं, सो कम होने स्टार्ट हो गए अगर तो वो बंद भी जल्दी हो जाएंगे। ये जो मैं आपको 4-5 आसन, सी बहुत सारे आसन होते हैं ऐसे तो पीरियड्स के लिए, लेकिन मैं आपको वो बता रही हूँ सिलेक्टेड, करने में आसान प्लस उनका 100% आपको फायदा मिलेगा। ऑल्टरनेट डे पे भी कर लो, पीरियड्स में बिल्कुल नहीं करना, मतलब बाकी दिनों में आपने करना है। पीरियड्स एक्सरसाइज हमें नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों को बिल्कुल कम ब्लीडिंग होती है वो लोग थोड़ी बहुत कर सकते हैं, लेकिन जिनको पेनफुल मेंस होता है या हैवी ब्लीडिंग होती है उनको तो बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। सो अगला आसन करेंगे हम ऐसे हाथों में, ये टमी का फैट कम करने के लिए भी करते हैं, कमर को हेल्दी करने के लिए, प्लस हमारी जो ओवरीज का फंक्शन इम्प्रूव करने के लिए। आपके हाथों में आपके कंधों जितना गैप, आपके घुटनों में भी उतना ही गैप रहेगा। ब्रीद इन किया ऊपर, ब्रीद आउट डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप
आपने 25-30 के बाद हम करते हैं एक गोमुख आसन। गोमुख आसन के लिए क्या करना है, आपका ये पांव इस तरीके से पीछे जाएगा ऐसे, इस तरीके से आपने इस तरीके से, और पीछे से अपने हाथों को पकड़ना है। अगर नहीं पकड़ा जाता तो पकड़ने की कोशिश करनी है, जिस तरफ आपका एल्बो का डायरेक्शन है आपने उसी तरफ देखना है, थोड़ी देर रहना है इस आसन का। एक ये भी ये लेडीज के लिए बहुत बढ़िया आसन है, इस आसन है जिन लोगों को, लेडीज को बार बार यूरिन आता है या जब यूरिन है तो वो कंट्रोल नहीं होता, सो उसके लिए भी उनको ये 4 से 5 बार उन्होंने रोज इसको करना है। जिस तरफ एल्बो है उस तरफ हम देखेंगे फॉर फ्यू सेकेंड्स, उसके बाद ब्रीद आउट करते हुए फोरहेड घुटने पे लगाना, फिर ब्रीद इन किया ऊपर डाउन अप डाउन अप डाउन अप। थोड़ा अगर आपको हाथ पीछे से फिंगर्स होल्ड नहीं कर सकते ना, आप एक कपड़ा लेके कपड़े के साथ ऐसे कर सकते हो, कपड़े की हेल्प से कोई स्टॉल लेके आप उसके साथ ये कर सकते हो। पांव को ऐसे खोला फिर दूसरी तरफ गए, ऐसे उठे, हिप्स को उठाया, दोनों पांव को पीछे, दोनों पांव जो मेरे हैं वो पीछे की ओर हैं, साथ चेंज करके हमने ऐसे जिस तरफ एल्बो है उस तरफ देखना है, थोड़ी देर रहना है और ब्रीद आउट करते हुए अप डाउन, ब्रीद इन अप ब्रीद आउट डाउन, ब्रीद इन ब्रीद आउट। ओके, उसके बाद आप पांव को रिलैक्स करके और इस तरीके से लेग्स को लूज छोड़ देना है। उसके बाद चक्की चालन क्रिया, चक्की चालन क्रिया हम 3-4 अलग अलग तरीकों से करते हैं, इससे भी हमारा टमी का फैट रिड्यूस होता है और हाई सुर भी कैसे हो, टमी का फैट कम होता है और पीरियड्स की प्रॉब्लम दूर होती है। चक्की चालन क्रिया 1, दोनों पाँव मिलाए और ये ऐसे बाजू को पकड़ा, बाजू फोल्ड बिल्कुल नहीं करना, टाइट रखना है और ऐसे क्लॉक वाइज आपने 10 बार घुमाना है। ठीक है, ऐसे ब्रीद आउट किया आगे गए, ब्रीदिंग किया पीछे आए, बाजू को कुछ लोग ऐसे ऐसे करते हैं ऐसे, इसका कोई भी फायदा ही नहीं है, कुछ भी नहीं होगा इससे, फायदा लेना है तो लेग्स टाइट आर्म्स टाइट, पूरा ब्रीद आउट किया आगे गए, ब्रीदिंग किया। सो डू इट 10 times क्लॉकवाइज, 10 times एंटी क्लॉकवाइज। नाउ सेकेंड चक्की चालन क्रिया 2, इसमें क्या करना है आपने, पाँव में मैट जितना गैप, सी ज्यादा से ज्यादा वेरिएशंस जब आप करते हो, नंबर 1 आप बोर नहीं होते, एक ही एक्सरसाइज करते रहो ना तो इंसान बोर हो जाता है, नंबर 2 बॉडी पे भी कुछ दिनों बाद इफेक्ट आना बंद हो जाता है। सो अगर हम वेरिएशंस करते हैं बोरियत नहीं होगी और आपकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट। अब हम क्या करेंगे, एक पांव को छुआ दूसरे पांव को छुआ, बाजू को 90 डिग्री करा, ब्रीथ आउट करते हुए अगेन ऐसे 1, 2, 3 अप 1 अप। नाउ सेम एक्सरसाइज एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3 1, 2, 3। ओके, चक्की चालन क्रिया 3, उसमें पांव में ज्यादा से ज्यादा गैप देना है, 1 एक पांव छुआ, 2 में सामने मैट को छुआ, दूसरे पांव को छुआ,
बाजू को 90 डिग्री ऊपर एंड डाउन, 1 2 3 अप, 1 2 3 अप, 2 3 अप. नाउ एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3. इससे हमारे जो टायर्स होते हैं, टायर्स सब जाता है, टमी का फैट जाता है और सबसे बढ़िया रेगुलर पीरियड्स आते हैं. 2 3 अप. ओके, चक्की चालन क्रिया 4. वो अगर आपसे ना भी हो तो आप ये चक्की चालन क्रिया 3 भी कर लोगे तो भी आपको फायदा होगा. 10-10 बार आपने सेट लगाना है 10. ओके, लास्ट इज 1 2 3 लाई डाउन, 4 5 6 लाई डाउन, 7 8 9 10 अप और फिर एंटी क्लॉक वाइज, 1 2 3 4 नीचे लेट गए, 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड रिलैक्स. ठीक, ये थे चक्की चालन क्रिया, जिससे क्या होता है टमी फैट, जो पीछे के टायर्स होते हैं, प्लस पीरियड्स जो हैं वो रेगुलर रहते हैं. उसके बाद जिनको फाइब्रॉइड है और पीसीओडी जिनका एक्चुअल में हुआ है, कई लोगों को होता नहीं है, वो एज्यूम कर लेते हैं मेरे को जी पीसीओडी है, बट आपको पहले अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है. उसमें अगर आता है पीसीओडी तब आप बोलिए मेरे को पीसीओडी. कई लोग ऐसे ही बोल देते हैं मेरे को पीसीओडी है. सो पीसीओडी और फाइब्रॉइड अगर हो तो हमें कौन सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, उसके लिए है सूर्यांग कपाल भाती. उसके लिए क्या करना है, आपने अगेन वायु मुद्रा लगाना है, गर्दन और रीढ़ की हड्डी सीधी, हिप्स आपके उठे हुए किसी कुशन की हेल्प से. इफ यू वांट टू सिट ऑन द चेयर यू कैन सिट, यू कैन सिट लाइक दिस आल्सो, यू कैन सिट लाइक दिस आल्सो, लेकिन ऐसे नहीं बैठना, ऐसे ही बैठना है. हमेशा ऐसे बैठ के करोगे आपको फायदा ज्यादा होगा, अगर ऐसे बैठ के करोगे आधा अधूरा फायदा होगा. मुझे यह लगता है कि अगर हम कोई चीज कर रहे हैं तो हमें उसका 100% ना सी तो कम से कम 70-80% फायदा तो होना ही चाहिए. सो अर्ध पद्मासन में भी बैठ सकते हैं. अर्ध पद्मासन अगर आपका लगना शुरू हो गया तो धीरे धीरे पूर्ण पद्मासन भी लगना शुरू हो जाएगा. सो वी वर टॉकिंग अबाउट आर ब्रीदिंग एक्सरसाइज फॉर स्पेशली फॉर पीसीओडी एंड फाइब्रॉइड. सो दैट इज सूर्यांग कपाल भाती. उसके लिए हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद कर देंगे, राइट नॉस्ट्रिल से सिर्फ सांस छोड़ेंगे. मैं क्या कर रही हूँ, राइट से सिर्फ सांस को छोड़ रही हूँ. और रिदम कैसा होना चाहिए, स्पीड और रिदम कैसा होना चाहिए, जस्ट लाइक जो सेकंड का सुई होता है वॉल क्लॉक का, उसके टिक 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 ऐसे, वो ऐसे नहीं चलती ना टिक 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 ऐसे नहीं, बिल्कुल एक स्पीड से जो चलती है सेम वो स्पीड रखनी है आपने जब आप एक नाभि के ऊपर झटका मारते हो. कपाल भाती सबसे ज्यादा बढ़िया, कपाल मतलब मस्तिष्क, दिमाग की शुद्धि के लिए, पूरे शरीर की, दिमाग की, आत्मा की के लिए सबसे बढ़िया एक प्राणायाम माना जाता है. अगर इसको रोज कर लिया जाए तो कोई भी आपको बीमारी जल्दी नहीं हो सकती.
जो हार्ट के पेशेंट हैं उनको चंद्रांग कपाल भाती करना चाहिए, हाई बीपी जिनको है। चंद्रांग कपाल भाती मीन्स सिर्फ लेफ्ट से आपने सांस छोड़ना है और उनकी जो स्पीड है वो उससे भी कम होनी चाहिए, ऐसे। हमारे सर बोलते थे जो हार्ट पेशेंट है वो डर के मारे कपाल भाती बंद कर देते हैं, नहीं, कपाल उनका हार्ट और लंग्स दोबारा से रिवाइव करेगी। बट द ओनली थिंग इज कि उनको करने का तरीका पता होना चाहिए। उनको कैसे करना है, ऐसे लेफ्ट से किया, हाथ नीचे रखा, दो इट इज वेरी स्लो बट इसका फायदा ज्यादा होगा और 100%। और जिन लोगों का कोई हर्निया है या जिनका कोई टमी का सर्जरी, स्टमक का कोई, अब्डोमन का कोई भी सर्जरी होके हटा हो, उनको इसी तरीके से करना है। कैसे, एक झटका दिया नाभि पे, हाथ नीचे, हाथ नीचे नहीं रखना, आप हाथ ऊपर ही रखो लेकिन थोड़ा रुक जाओ। ठीक है, जिनको वेट जल्दी रिड्यूस करना है और जिनका हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको क्या करना है, इतनी स्पीड से करना है उनको। पीसीओडी फाइब्रॉइड वालों को भी स्पीड से करना है अगर उनका हार्ट एकदम स्वस्थ है, उनको बीपी की प्रॉब्लम नहीं है तो। अदरवाइज अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, किसी को अस्थमा की वजह से चेस्ट में या कोई सर्जरी है, उनको सेफ प्रैक्टिस करनी है विच इज लिटिल स्लो। सो सूर्यांग कपाल भाती करने से पीसीओडी और फाइब्रॉइड 100% क्योर हो। डॉक्टर्स इतनी बड़े बड़े लाखों रुपया ले लेते हैं लेकिन फिर भी आपको, आपसे साइन करवा लेते हैं कि हमारी कोई श्योरिटी नहीं है। लेकिन योग एक ऐसी पद्धति है, एक अनोखा एक प्रैक्टिस है जो आपको श्योरिटी देती है हर चीज की। द ओनली थिंग इज आप कितने रेगुलरली उसको करते हो, आपकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है क्या आप उसके हिसाब से करते हो, सही करते हो, और उसको मतलब आपको बाकी आपका जो पूरा, कुछ लोग ऐसे होते हैं एक घंटा योगा जरूर करते हैं लेकिन जैसे एक मेरा मेरे क्लाइंट हैं उन्होंने कहता मैम जल्दी खत्म कर दो, मेरी बीयर गर्म हो रही है। मतलब योगा के बाद अगर हम बियर पियेंगे तो योगा का इतना फायदा नहीं होगा। सो योगा के तुरंत बाद हमें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, दैट इज ऑल्सो ऑफ वेरी इम्पोर्टेंस कि हमें का बाद में अगर हमने ड्रिंक कर लिया या हमने कोई नॉन वेज कोई हैवी खाना खा लिया तो योगा का हमें फायदा कम होता है। सो योगा के तुरंत बाद अगर आपको मन करे कुछ खाने का तो आप दूध दही, अगर मॉर्निंग है तो दही, अगर शाम है तो दूध, या फिर किसी भी तरह का फ्रूट ले सकते हैं योगा के तुरंत बाद अगर आपको भूख लगती है। भुजे हुए चने भी खा सकते हैं लेकिन कोई भी तला हुआ खाना, हैवी खाना, फास्ट, नॉन वेज ड्रिंक, कॉफी अवॉइडेड, एटलीस्ट आधा घंटा पौना घंटा हमें नहीं लेना चाहिए। सो मैं आपको एक मेडिसिन का नाम बता रही हूँ जिसका नाम है थूजा मदर टिंचर टी। मैं आपको कमेंट बॉक्स में इनके नाम भी लिख दूंगी, थूजा मदर टिंचर लेना है। सी थूजा नाम की जो मेडिसिन है THUJA, थूजा OCCI, ऑक्सीडेंटलिस पूरा नाम है। आप अकेला थूजा भी बोलोगे तो भी मिल जाएगी। आपने इसको मदर टिंचर की फॉर्म में लेना है, थूजा मदर टिंचर। इसका स्पेशलिटी क्या है, अगर आपके फेस पे एक एज के बाद छोटे छोटे फ्रैकल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं या वार्ट्स आते हैं, कॉर्न्स आते हैं गर्दन पे, पैरों में, हाथों में, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप थूजा मदर टिंचर। इसकी ऑइंटमेंट भी आती है हमारे पास लेकिन ऑइंटमेंट में
थोड़ा सा कम असर होता है, ये थोड़ा सा 1-2 सेकंड के लिए आपको स्किन पे लगता है सिंस इट हैज अल्कोहल, बट उसका कोई नुकसान नहीं है। आपने ऐसे खोलना है, जैसे मेरे यहाँ पे एक वार्ट हुआ था, कि ऐसे लगा के बस इसको ऐसे ऐसे ये ड्रॉप्स निकलते इसमें से, तो ऐसे पकड़ के मैंने इसको ऐसे से रब कर दिया। 3 दिन के बाद मेरे हाथ में वो जैसे जो सूख के मेरे हाथ में, ठीक है, जैसे मेरी जो फैमिली है उसमें हमारे बहुत स्ट्रांग हिस्ट्री है बड़े बड़े वार्ट्स तिल वो सब होने की, तो मैं रोज कुछ नहीं करती, रात को सोने से पहले इसको पकड़ के ऐसे कहीं पे भी जहाँ पे मुझे लगता है तिल स्टार्ट होने वाला है ऐसे इसको लगा के, ठंडा ठंडा लगेगा आपको मुंह पे, राइट, इसको लगा के छोड़ देती हूँ। उतने में वो झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं 100%। अगर आपके कहीं पे कॉर्न है, लोग कॉर्न कैप लगाते हैं फिर भी फायदा नहीं होता, उस कॉर्न कैप कॉर्न के ऊपर आप इसको लगाइए, चाहे हाथ पे है पाँव में, दिन में 2 बार, एकदम से वो गायब हो जाएगा और दोबारा नहीं आएगा। लाइक थूजा मदर टिंचर लेना है। सो किसके लिए है? फ्रैकल्स के लिए, वॉट्स के लिए, कॉर्न्स के लिए, और थोड़ा सा पिगमेंटेशन में हेल्प करता है, ज्यादा नहीं। पिगमेंटेशन के लिए हमने क्या लगाना है साथ में, इसका नाम है अमालकी मदर टिंचर, अमालकी AMLAKI। अमालकी इज मेड फ्रॉम विटामिन सी, अगेन इट्स अ होम्योपैथिक मदर टिंचर। इसका क्या फायदे हैं, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मेरे ऐसे ही मेरे मन में आया कि ये चीजें भी, सिंस आर सेशंस आर ऑल अबाउट हेल्थ एंड ब्यूटी केयर, सो इनके कोई नुकसान नहीं है, इन केस आपको फायदा नहीं देगा तो नुकसान कभी नहीं देगा। सो अमालकी का क्या है, ये पिगमेंटेशन में आपको हेल्प करेगा। इसको और थूजा को आप दोनों मिक्स करके भी फेस पे लगा सकते हो। दूसरा अमालकी का फायदा है ये स्किन, बिकॉज इट हैज वाइटामिन सी, वाइटामिन सी की इतने महंगे महंगे सीरम्स हम खरीदते हैं, ये मुश्किल से 80-90 रुपए का आता है और जो 2 महीने खत्म नहीं होता, और इसका इतना फायदा होता है। सो इसको आपने, इसको भी ऐसे ही खोल के आपने मुंह के ऊपर, जैसे पहले थूजा लगाया, आधे घंटे के बाद आपने अमालकी लगा लेना है, ठीक है। किचन में आप सुबह 1 घंटा तो लाजमी खड़े होते ही हो, तो किचन में खड़े खड़े आप ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी देर के बाद एक एक लेयर करके अप्लाई कर सकते हो, टाइम नहीं मिलता। सो पहले थूजा लगा लिया, आंखों के अंदर बस नहीं जाना चाहिए क्योंकि थोड़ा अल्कोहल है, ऐसे थोड़ा मुंह ऐसे किया ताकि आंख के अंदर ना जाए, इसको मैंने पूरा फेस पे लगा लिया, राइट। सो ये एंटी एजिंग है, इट हैज विटामिन सी। दूसरा, इसको हम पीने के लिए यूज करते हैं, किस लिए? प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर, स्पेशली बच्चों में, जिन बच्चों के जल्दी बाल सफेद होते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास दवाई लेने प्री मेच्योर ग्रेइंग, उसमें हिस्ट्री ये ज्यादातर बच्चों में रहती है कि उनको जुकाम खांसी बहुत रहता है, तो उसको भी ट्रीट करना पड़ता है। बट फिर भी इन जनरल अगर किसी की कोई ऐसी खास स्ट्रॉन्ग इलनेस नहीं है, फिजिकल इलमेंस बाकी नहीं है, सिर्फ बस ग्रे ही हो रहे हैं, 5 बूंदे इसकी 1 चम्मच पानी में डाल के दिन में 2 से 3 बार अगर आपके जो बच्चा या जिसकी एज से पहले हो गए हैं, अब एज के साथ तो होने ही है ना, सो प्री मेच्योर ग्रेन जिनको है, मेडिसिन अगेन यू विल बाय दिस मेडिसिन इन मिक्सचर फॉर्म। हमारे इसमें अलग अलग फॉर्म्स में, एक मेडिसिन अलग अलग फॉर्म्स में आती है, सो यू विल मेंशन मदर टिंचर, सो ब्राउनिश कलर का होगा। सो किसी भी अच्छी कंपनी का लेना, लूज मत लेना, सील्ड बॉटल लेना, जैसे ये कंपनी की जो बॉटल्स होती है उनमें ऐसे लेबल लगा रहता है, लोकल लेबल वाली दवाई बिल्कुल नहीं लेनी, जर्मन की भी ले सकते हो, लेकिन आजकल जो इंडियन मेडिसिन होम्योपैथिक आती हैं दे आर इक्वली गुड, बट ओनली थिंग इज यू बाय ओनली सील्ड बॉटल। सो अमालकी AMALKI, अमालकी मदर टिंचर विच इज फॉर एंटी एजिंग, फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन, फॉर पिगमेंटेशन एंड इंटरनल यूसेज है फॉर प्री मेच्योर ग्रे, डन। इसके बाद एक है हमारा जिसका नाम है बर्बेरिस एक्विफोल्यूम, ये एक्नी और कंप्लीट
कम्प्लेक्शन क्लियर करने के लिए, अगर किसी का बेसिकली डार्क है तो उसको हम बहुत हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन पहले हमारा अच्छा था लेकिन एक एज के बाद थोड़ा डार्क होना शुरू हो गया बिकॉज ऑफ सन रेज, सो उनको ये ठीक करता है बर्बेरिस एक्विफोलियम। हमारे इसमें ऑइंटमेंट्स बहुत सारी आती हैं, बट जो मदर टिंचर का फायदा, ये हम डायरेक्टली मदर टिंचर को मुंह पे लगा रहे हैं, उसका रिजल्ट हमें ज्यादा अच्छा मिलता है। ऑइंटमेंट्स में क्या है, बाकी और सारे बेस और सारी चीजें डाली रहती है जिससे एक्विफोलियम का जो मेन जो है मेडिसिन उसका इफेक्ट जो है वो कम हो जाता है। बट ओनली प्रिकॉशन इज कि आंख के अंदर ना जाए, चला भी गया तो कोई बात नहीं, एक दो छींटे पानी के मारोगे ठीक हो जाएगा, उसमें डरने की भी कोई बात नहीं है। सो बर्बेरिस एक्विफोलियम को भी आपने बस इसी तरीके से मुंह के ऊपर ड्रॉप्स लगाए, ये एक्नी के लिए और कम्प्लेक्शन के लिए, और एक्नी के लिए हम इसको पीने के लिए भी बोलते हैं, जैसे आयुर्वेदिक में साफी होती है, सिमिलरली इन होम्योपैथी दिस इज आर ब्लड प्यूरिफायर। साफी इज आल्सो ब्लड प्यूरिफायर, बट साफी समटाइम्स लोगों को गर्मी में पी नहीं जाती है ना, सो इसका ऐसा कोई नुकसान नहीं है। इसके 20 ड्रॉप्स आपने आधे कप पानी में डालने हैं, दिन में 3 बार इसको पीना है। दिस इज वेरी गुड फॉर योर कम्प्लेक्शन एंड फॉर चाहे टीनेज गर्ल्स के हो, बच्चों के हो, चाहे हमारी जो एज में इस एरिया में आते हैं जो 40 प्लस लेडीज होती हैं उनके ना इस चिन के आसपास एक्ने आते हैं, जो टीनेज होते हैं उनके चीक्स या फोरहेड पे आते हैं। सो किसी भी तरह के एक्ने हो आप ये मेडिसिन को पीना है प्लस आपने लगाना है। सो जो मैंने थूजा आपको बताया इसका एक और फायदा बता रही हूँ, अगर किसी को डैंड्रफ है तो डैंड्रफ के लिए आपने इसको ऑयल में अगर इसकी 30 ड्रॉप्स डाल के ऑयल लगाओगे, आपका डैंड्रफ सिर्फ 2-3 एप्लीकेशन में चला जाएगा। अगर थोड़ा सा कर्ड लेके, जो थिक वाला कर्ड होता है उसमें भी इसके ड्रॉप्स डाल के अगर आप कर्ड पैक फिर स्काल पे लगा के छोड़ दो तो भी इसका फायदा होता है। एंटी डैंड्रफ भी है, थूजा खुजली होती हो सर में उसके लिए भी अच्छा है, और मैंने बताया फ्रैकल्स के लिए और वार्ट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। सो आप लोगों ने और भी काफी कुछ बोला है कि इसके लिए क्या करना चाहिए। सो हेलो मंजू, सो आपका एक हमारे है इनके रॉ ऑयल इनकी कंपनी के बहुत अच्छे बनते हैं। सो है फ्लेक्सीड ऑयल जो बहुत अच्छा है मेरे पास पड़े हुए हैं, कलंजी ऑयल भी बहुत अच्छा है जो वेट लूज में हमें हेल्प करता है, उसकी आपने 4-5 ड्रॉप्स सुबह गर्म पानी के साथ अगर आप डेली लो तो बहुत जल्दी वेट रिड्यूस होता है। कलंजी ऑयल के लिए माना जाता है लाइक इट्स अ सेइंग दैट कि मौत को छोड़ के बाकी सारी बीमारियों को कलंजी ऑयल ठीक कर सकता है, इसके लिए इतना बड़ा मतलब अच्छा बोला गया है। सो आपने सिर्फ 4 बूंदों से शुरू करना है, कलंजी ऑयल जो है उसका जो सही टाइम लेने का है मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक का होता है। एक आता है फ्लैक्स सीड ऑयल, उसको आपने रात को सोते समय लेना है, स्पेशली गाय के दूध के अंदर, और प्योर अगर आपके पास टर्मेरिक पाउडर है, हल्दी है तो उसमें डाल के ले लीजिए, वो हमारी स्किन के लिए अच्छा रहेगा, हमारे जो बोन्स हैं उनके लिए अच्छा रहेगा, ओवरऑल जो आपका बॉडी है इम्यून सिस्टम वो स्ट्रांग रहेगा, जिनको कोल्ड कफ होता है उनके लिए बहुत अच्छा है। फ्लैक्सीड ऑयल इज वेरी गुड फॉर हार्ट आल्सो, सो उसका लेने का जो बेस्ट टाइम है वो रात को है। कलंजी ऑयल को सुबह खाली पेट लेना चाहिए और लंच के पहले भी आप ले सकते हो, ऑलवेज स्टार्ट विद ओनली 4 ड्रॉप्स, धीरे धीरे आप इसके ड्रॉप्स गर्म पानी के अंदर बढ़ा सकते हैं। सो आस्था जी, मुझे लगता है आज के लिए इतना बहुत है, मैं फिर आपको जल्दी फिर मिलूंगी किसी और टॉपिक के साथ, और आपके साथ हमारी इसमें होम्योपैथी में इतनी अच्छी यू नो टिश्यू रेमेडीज आती हैं जो आपको बीमारियों से बचा के रखती हैं। द बेस्ट पार्ट इज बहुत सस्ती होती हैं, लोगों डॉक्टर पैसे तो बहुत लेते हैं, नो डाउट होम्योपैथिक डॉक्टर्स बहुत पैसे लेते हैं आजकल, हाँ तो लेने भी चाहिए क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं, बट अगर ना लेना चाहे तो कम पैसों में भी आई मीन मिल सकती है।
सो मैं आपके साथ नेक्स्ट कोई सेशन होगा तो और ऐसी मेडिसिन 100% शेयर करूंगी जिससे आपको बाकी प्रॉब्लम्स में फायदा हो बिना किसी से। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम। वंस अगेन अ बिग थैंक्स टू मिसेस परवीन अब्रोल, आस्था जी एंड मिस्टर रवीश अब्रोल फॉर गिविंग मी दिस चांस। सो थैंक यू सो मच, गुड इवनिंग, थैंक यू।